2019 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को कौन सा झटका लगा है? आखिर लेफ्ट ने कांग्रेस से क्यों किया किनारा? अगले साल यानी 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अभी करीब 1.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन चुनाव को लेकर सियासी बिसात अभी से ही बिछाई जाने लगी है। कांग्रेस तमाम विपक्षी पार्टियों का महागठबंधन बनाकर मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के खिलाफ उतारने के सपने देख रही थी, लेकिन उसका ये सपना परवान चढ़ने से पहले ही टूटता दिख रहा है। एसपी और बीएसपी के बाद सीपीएम भी कांग्रेस से किनारा करती दिख रही है। दरअसल रविवार को सीपीएम की केंद्रीय कमेटी की एक बैठक हुई थी, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने को लेकर एक प्रस्ताव पास किया गया था। सीपीएम के पूर्व महासचिव प्रकाश करात जहां कांग्रेस से किसी भी तरह के गठबंधन के खिलाफ हैं, वहीं महासचिव सीताराम येचुरी का गुट बीजेपी से टक्कर लेने के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाने को लेकर नरम है। कांग्रेस को लेकर दोनों गुटों में आम सहमति नहीं बनने के बाद इस प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई, जिसमें करात गुट को 55 वोट मिले, वहीं येचुरी गुट को महज 31 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। खबर है कि अब इस प्रस्ताव को इसी साल अप्रैल में हैदराबाद में होने वाली सीपीएम कांग्रेस की बैठक में औपचारिक रूप से अपनाने के लिए रखा जाएगा। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि कांग्रेस का साथ लेने से ना सिर्फ लेफ्ट बल्कि एसपी और बीएसपी भी कतरा रही है। पिछले साल हुए यूपी विधानसभा चुनाव में गठबंधन करने के बावजूद अखिलेश आगामी आम चुनाव में अकेले उतरने का मूड बना रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि 2019 में किसी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर वे कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। इससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी अपने 62वें जन्मदिन के मौके पर 2019 में किसी तरह के गठबंधन से इनकार कर चुकी हैं। एसपी और बीएसपी के किनारा करने के बाद कांग्रेस को लेफ्ट पार्टियों से खासा उम्मीद थी। देश में अपने वजूद को बचाने के जद्दोजहद में जुटी लेफ्ट की येचुरी गुट को कांग्रेस का एकमात्र सहारा नजर आ रहा था, लेकिन करात गुट की मुखालफत ने कांग्रेस और येचुरी गुट के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।